फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जस्ट रिव्यूड। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं रिव्यू करूंगी एक बहुत ही अच्छे कॉम्पैक्ट पाउडर का, और मोर एग्जैक्टली आई कैन से दिस इज़ अ प्रेस्ड पाउडर फ्रॉम द कंपनी रिमल लंदन। यहाँ पे नेम थोड़ा सा इरेज हो रहा होगा बिकॉज यूज़ करने की वजह से ग्लास पे जो प्रिंट है ये थोड़ा सा छूट रहा है। तो ये है रिमल लंदन का स्टे मैट प्रेस्ड पाउडर। आप इसे प्रेस्ड पाउडर कहिए, कॉम्पैक्ट कहिए, बिल्कुल सेम है और सेम काम करता है, मैट फिनिश देता है। ये बहुत ही अच्छा है, बजट फ्रेंडली है। तो आज हम इसका रिव्यू शुरू करते हैं। फिर ये है रिमल लंदन की तरफ से। नेट वेट जो है ये इसका 14 ग्राम्स है, जो कि आप देख रहे होंगे, हम मेंशन होंगी। लाइट वेट है, मैटिफाइंग है, मतलब ये आपकी स्किन, आपके चेहरे पर एक मैट लुक देगा, ना कि ग्लॉसी देगा। लास्टिंग अप टू 9 आवर्स, 9 आवर्स तक इसे लगाने के बाद 9 आवर्स तक आपको कोई भी टचअप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, काफ़ी टाइम तक टिकता है चेहरे पे और बहुत ही अच्छा लुक देता है। पीछे देख लेते हैं, ये किसी कार्टन में अवेलेबल नहीं होता। आप परचेस करेंगे तो आपको डायरेक्टली बस ये ऐसे ही मिलेगा, और इसके साथ कोई स्पंज या एप्लीकेटर नहीं होगा, ये बस ऐसे ही होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो हम पीछे देख लेते हैं क्या मैंशन है इस पर, एज ए क्योंकि इसके साथ कोई कार्टन वार्टन तो था नहीं। तो ये मैंने जो शेड मंगवाया है ये है 006 वॉर्म बीच। इसमें 5 और शेड्स हैं वॉर्म बीच से अलग। सिल्की बीच है, सैंड स्टॉर्म है, मैंने इसके पहले जो मंगवाया था वो सैंड स्टॉर्म ही मंगवाया था, अब इस बार मैंने वॉर्म बीच मंगवाया है क्योंकि ये थोड़ा ब्राइटर शेड का है, और उससे अलग और भी शेड्स है। और अगर आपको कोई भी शेड समझ ना आए तो इसमें एक शेड है, इसमें एक आता है ट्रांसपेरेंट, आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। इस पाउडर की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप कंफ्यूज़ हो रहे हो ना कि आपको कौन सी शेड का ये पाउडर, ये कॉम्पैक्ट ख़रीदना है, तो अगर आप जो भी 2-3 शेड्स में कन्फ्यूज़ हो रहे हो ना, आप आँख बंद करके कोई भी एक शेड मंगवा लो, वो सब आपके स्किन पे बहुत ही अच्छा और नेचुरल लुक देने वाला है। कोई भी ऑड या फिर ऐसा नहीं होगा कि आपकी शेड से अलग हो गया या बहुत ब्राइट है या बहुत ज़्यादा डार्क है, सारे शेड्स आपस में मिलते जुलते ही हैं। तो कोई सा भी अगर आप मंगवा लेते हो तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट करती है। ये आपको सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा कि कोई भी शेड कैसे कोई लगा सकता है, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो वॉर्म बीज है ये अभी ऑर्डर करके मंगवाया, इसके पहले मैंने सैंड स्टॉर्म मंगवाया था और एक सिल्की बीज आता है इसमें। ये तीनों शेड्स बिल्कुल ही रिजेंबल करते हैं, बहुत थोड़ा सा, बहुत ध्यान से देखने पे समझ आएगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा ब्राइट है, सैंड स्टॉर्म जो मैंने यूज़ किया था वो थोड़ा सा इससे वार्मर साइड पे था और ये थोड़ा सा ब्राइट है। जैसे अगर आप चेहरे पे लगाएंगे, मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो चेहरे पे लगाने के बाद ये जो शेड है वार्म बीज, ये थोड़ा सा ब्राइटर की तरफ ले जाता है आपको, ठीक है, थोड़ा फेयरर लुक की तरफ। और जो सैंड स्टॉर्म था वो ओके था, वो इससे थोड़ा सा डल शेड था, बट अगर मैं दोनों में से कोई भी लगाती हूँ मेरी स्किन पे एकदम नॉर्मल लुक दे रहा है। तो इसमें कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपको शेड सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत हो रही है। तो इसमें 6 शेड्स आते हैं टोटल, मेरा जो है ये 6 नंबर का वॉर्म बीज है। ये एक लाइट वेट प्रेस्ड पाउडर है, ठीक है, इसमें नेचुरल मिनरल्स है। मिनरल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी बिकॉज मुझे तो ऐसे मिनरल्स वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखी, झूठ नहीं बोलूँगी, तो मिनरल वाली तो मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखी। बट हाँ, ये प्रेस्ड पाउडर, ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा और बजट फ्रेंडली है। MRP है इसकी 220 रुपीज़, बट ये हमेशा आपको डिस्काउंट पर नायका पे, अमेजोन पर मिल जाएगा। मैंने नायका से मंगवाया था तो ये मुझे शायद 150 अराउंड का कुछ मिला था, तो मुझे नहीं लगता अभी के टाइम में इतना सस्ता और अच्छा बिना आपकी स्किन को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए कोई कॉम्पैक्ट मिल सकता है। तो मैं तो यही परचेज़ करी हूँ पिछले 2-3 बार से। और आगे देख लेते हैं, इसमें MFG डेट जो है वो है सितंबर 2022 की, और जो एक्सपायरी डेट है वो है 2025 की, यानी कि 3 इयर्स तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपको स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होगा, वो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, आप वो चेक कर सकते हैं। मेड इन इंग्लैंड है ये इंग्लैंड UK का प्रोडक्ट है, कंट्री ऑफ ओरिजिन UK है, मेड इन इंग्लैंड है, ठीक है। अब ये बस ऐसे सिंपल मिलता है, बाकी इसके साथ कोई ग्लास, कोई मिरर या कोई एप्लीकेटर नहीं है, ये बस इसी तरह से अवेलेबल होता है। ये देखिए, जल्दी से देख लेते हैं, ये इस पर ऐसे कुछ फ्लावर काइंड ऑफ कुछ बना होता है, ये रिमल लंदन का। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है, और वैसा पाउडर वैसा उड़ने वाला हो, जैसे होते हैं ना बहुत से कॉम्पैक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो लूज पाउडर जैसे काफ़ी बिल्कुल टच करती ना वो उड़ने लगते हैं, आप प्रॉपर फील करेंगे कि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे हल्के उड़ रहे हैं या बहुत ही जल्दी आपने हल्का सा टच किया और बहुत ज़्यादा सा लग गया। तो इसके साथ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक्चुअली ये प्रेस्ड पाउडर है तो ये वो शो करता है। आप इसे ज़्यादा सा देखें, मैं कितना प्रेस करके ले रही हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है ना। ये देखिए, ये है शेड, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, कैमरे में कितना कैप्चर हो रहा है ये देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ। ये है शेड, बहुत ही सुंदर शेड है, बहुत ही प्यारा लगता है, और आप इसे डायरेक्ट किसी ब्रश से, स्पंज से या पफ से, जिससे चाहे आप इसे अपना मेकअप करने के बाद लगा सकते हैं।
और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी स्किन में मर्ज हो जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, बहुत ही जल्दी ये मर्ज हो गई मेरी स्किन में और मेरी स्किन बिल्कुल इवन हो गई है। तो ये है रिमेल लंदन का प्रेस्ड पाउडर, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके।